नमस्ते दोस्तों, आज है मंगलवार और सुबह का टाइम है। टाइम हो चुका है 8:15 और हम लोग सुबह चक के थोड़ा बाहर गए थे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है सुबह घूमना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हैं और हमेशा सुबह घूमने जाते हैं। नॉर्थ साइड में क्या है, जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर मुंबई में जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो सुबह घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम डेली घूमने जाते हैं सुबह, तो हम लोग घूम के आ गए हुए हैं और देवांशी को भी ले गए थे साथ में, क्योंकि देवांशी को अकेला घर पर छोड़ नहीं सकते थे, तो देवांशी भी आ गई हुई है। तो देवांशी थोड़ा सा लेटी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देवांशी ने ना जो पिलो लगाया हुआ है वो मस्टर्ड का पिलो है, इसमें हमने सरसों भर रखी है, ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सही रहता है, तो मेरी मम्मी ने बताया था ऐसा पिलो बनाने के लिए, तो इन्होंने पिलो बना दिया था उसके लिए। और देवांशी अभी देखो कितने आराम से लेटी हुई है, कैप लगा के कितनी प्यारी लग रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं घूम के, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद आज कुछ प्लान करते हैं, कुछ तो करेंगे। अभी देवांशी थोड़ा सा रोने लग गई है, लगता है उसे भूख लगाई है, अभी उसे दूध पिलवाया जाएगा तो फिर से सो जाएगी, अभी थोड़ा सा रो रही है। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 8:40, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारा ब्रेकफास्ट देख लीजिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या है, थोड़ा हैवी डाइट लेते हैं और फ्रूट्स भी साथ में लेते हैं। तो देखिए सुबह हमारा ये ब्रेकफास्ट है और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर लंच के लिए प्लान करेंगे कुछ तो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया है, अभी टाइम हुआ है 7:15 और अभी हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, मुंबई में जनवरी का महीना है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, तो शाम का टाइम थोड़ा घूमने के लिए अच्छा होता है। तो हमने वही प्लान किया है कि अभी घूमने जाएंगे, थोड़ा सा 1-1.5 घंटे बाहर घूमेंगे और फिर आके डिनर के लिए देखेंगे। तो देवांशी को भी साथ में हम लेके जा रहे हैं, देवांशी ये लेटी हुई है, हमने गाड़ी में उसे लिटा लिया है, आराम से लेटी है, बिल्कुल भी नहीं रो रही है। तो जब भी हम शूट करते हैं मैंने देखा है कि ये रोना बंद कर देती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, शूट करने में बहुत कॉपरेट करती है। और अभी घुमा के बाहर से लेके आएंगे देवांशी को, तो फिर डिनर करेंगे। तो आके ये देवांशी है, आए बोलो, देवांशी देख रही है, अभी तो बोल नहीं पाती है, सिर्फ 3.5 महीने की है। और अच्छा है यहाँ का मौसम, तो चलो देवांशी को बाहर घुमा के ला लेके आते हैं। अभी देवांशी बाहर जाने लगी है, हमने गाड़ी में उसे लिटा लिया है, इस गाड़ी को स्ट्रॉलर बोलते हैं, तो हमने इसी के लिए ख़रीदा हुआ है एकदम नया, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। इसमें फ़ायदा ये है, इस गाड़ी में फ़ायदा ये है कि इसमें बच्चे को आराम से लिटा लो, जब वो बड़ा हो जाता है तो आप बिठा भी सकते हो, इसे आप थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो आप बिठा भी सकते हो इसमें, ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो अभी हम इसे बाहर निकाल रहे हैं, अभी देवांशी को बाहर लेके जाएंगे। अब देवांशी निकल रही है घर से बाहर, बाहर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देवांशी को बाहर निकलते हुए, आ जाओ आ जाओ, चलो बाहर। देवांशी रास्ते में रोने लग गई थी तो अभी आ गई है, तो उसे दूध पिला दिया था तो अभी चुप हो गई है, अभी बिल्कुल नहीं रो रही है, अभी खेलने लग गई दोबारा से, ये अच्छा हुआ। तो अभी डिनर रेडी हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिनर अभी रेडी हो रहा है, आटा गूंदा जा रहा है, जैसे ही डिनर रेडी हो जाएगा फिर हम डिनर करेंगे।